के हालात कुछ ये हैं, और ये हम लोग ये खुदा का पेम्पर स्मगलिंग बोलना नहीं चाहिए वैसे, हाँ लेकिन कुछ इस तरह के ही हालात है। इतना मैसी हुआ वैसे सब, और बहुत ज़्यादा सामान है काम वाली लुक की हुई है। और ये हो रही है शादी की तैयारी, और ऐसे लोग बिल्कुल हेल्प नहीं कराते। हाँ कहाँ से जरा चेक कर, ये तुम्हारे पैसे पड़े हुए, ये मेरे हैं, इसको चेक कर, उसको होश आई एकदम, ये मेरे पैसे। ये सफर की टेंशन है, गहरे जो है गहरे भी जा रहे से नीचे तक कवर करेगा, पता चले इधर से आंख के अंदर बचाओ मैं आगे आधा ऊपर आ गया तो फिर नजर आएगा। मैं चलती चलती हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान, और सुबह सके 6:30 हो रहे थे, और ये मैंने एयरपोर्ट जाते हुए थोड़ी सी वीडियो बनाई, बोल नहीं पा रहे थे, बहुत थके हुए थे, रात से पैकिंग चल रही थी, बिल्कुल नहीं सोए हुए थे, तो हालत भी कुछ इस तरह की थी कि बार बार कैमरे के आगे आने का दिल भी नहीं कर रहा था। तो मुझे दो जहाँ मौका मिला मैंने वहाँ पर शूट कर लिया। यहाँ पे हम लोग क्यू में खड़े हुए वेट कर रहे हैं अपने बोर्डिंग पास के लिए, और जैसे ही बोर्डिंग पास मिला, काफ़ी टाइम लग गया था वैसे हमें, हम लोग 5 लोग थे, वहाँ हमारे साथ हुदा भी थी, और काफ़ी टाइम लग गया। हम लोग बहुत टाइम बाद ऐसे इकट्ठे सफ़र कर रहे थे, तो हमने इसका पूरा फ़ायदा उठाया कि लगे जितना जा सकता है ना हम लोग उतना लेके जाएं। और शादी की वजह से मामा ने भी फुल हर बॉक्स भर के गई हुई थी कि ये सब पाकिस्तान लेकर आना है तुम लोगों ने आते हुए, तो बहुत ज़्यादा सामान था। हमने वेट किया, बोर्डिंग हुई, देन उसके बाद हम लोग गेट की तरफ चलते रहे गेट की तरफ पहुँचने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं था हम लोग को, बोर्डिंग में काफ़ी टाइम हो गया था, तो हम एयरपोर्ट से कुछ खा नहीं सके, और घर से भी ऐसा नाश्ता करके हम लोग आए नहीं थे, तो हमें बहुत ज़्यादा वेट था कि जैसे ही प्लेन में बैठे तो हमें कुछ खाने को मिल जाए। तो ये सब कुछ बस ऐसे ही हमने गुजारे, इसलिए मैं वीडियो भी प्रॉपर बात नहीं कर पाई। मेन पॉइंट तो मैं स्किप करेगी कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं श्रीलंकन एयरलाइन से, और बहुत अच्छी एयरलाइन थी। मैंने वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ और होटल एकोमोडेशन पहले से ही सब कुछ ओके कर लिया था, देन हम लोग ये होटल पहुँचे। हमारा होटल था वहाँ पे, बहुत गोवा टाइप था, और जैसे हम लोग देखते हैं इंडियन मूवीज़ में गोवा दिखाते हैं, वो बिल्कुल उस तरह का था। और ये अंदर से बूफे एरिया था, अभी जैसे हम लोग रूम में जा रहे थे, रूम में सामान वगैरह रखने के बाद बहुत भूख लगी हुई थी हमें श्रीलंका उतरते ही, तो हमें था कि अब रात हो रही है, खाना भी खाना, शाम के टाइम हम लोग उतरे थे, सब कुछ होटल से बाहर आते आते हमें रात होगी, और बहुत ह्यूमिडिटी थी, मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं दिखा पाई इस वजह से कि मेरे बालों का वॉल्यूम जो था ना वो डबल हो गया था, और बाहर का एरिया कुछ ये था। और ये मैं दोबारा से बूफे में आएंगे, कुछ देखूँ कुछ खाने के लिए। हाँ चिकन फ्राइड राइस एंड सिंपल राइस एंड नूडल्स, ये खा लेंगे हम। तो मुझे जो समझ में आया वो थोड़ा सा ये कि वेजिटेबल्स और कुछ स्वीट्स थी, लेकिन मैं क्योंकि कंफर्म नहीं थी कि इसमें से हलाल क्या है और हराम क्या है, तो मैं और उमेर दोनों ही बहुत डर रहे थे खाने के लिए। तो एक दाल चावल हमें था समझ में आया, और थोड़ी सी वेजिटेबल्स, तो मैंने ट्राई की, लेकिन बहुत मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया यार, दाल में कौन कोकोनट डालते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और चावल भी ऐसे जैसे उन्होंने ना हंडिया के लास्ट में से निकाल के रखे हुए थे। और ये इस तरफ सामने बीच है,
यहाँ पे श्रीलंकन उमेर के फ्रेंड हैं जापान में, तो उन्होंने अपनी फैमिली से कांटेक्ट किया और उनको बताया कि हम लोग ऐसे श्रीलंका में आए हुए हैं। तो उन्होंने फिर उनकी फैमिली के साथ जो भी प्लान शन किया, उन्होंने कहा कि आप लोगों को वो लेने आ रहे हैं और खाना, रात का खाना आपने उनके साथ खाना है। बस कुछ रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग उनके साथ चले गए। रात का डिनर उनके साथ था, ये था चिकन कटू किटू कटू जो भी था, ये बहुत फेमस वहाँ का स्ट्रीट फूड है उन्होंने ऐसा बोला हमें। और चाइनीज़ राइस थे, इसके अलावा स्वीट चिली चिकन था, सब कुछ मज़े का था। और नो डाउट जो स्ट्रीट फूड वो कह रहे थे, जितनी तारीफ़ कर रहे थे उसकी, चिकन कटू के नाम से था मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है, तो बहुत अच्छा था, स्पाइसी था हमारे टाइप का, तो मैंने खाया। उसके अलावा रात 3 बजे तक हम उनके साथ थे, बहुत अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ। और सुबह जब उठे हम लोग काफ़ी फ्रेश थे, तो बीच इंजॉय किया थोड़ा सा। और ये वापसी पे मैं एयरपोर्ट जाते हुए जो मुझे मौका मिला, मैंने इतना सा शूट कर लिया श्रीलंका। और हम लोग मूवीज़ देखते हैं तमिल इंडियन मूवीज़, तो ये उस तरह से। बाकी एयरपोर्ट हम वापस जा रहे थे, तो मुझे स्ट्रीट एरिया दिखाना था कि कैसे श्रीलंका है। मैनेजमेंट थोड़ी सी ट्रैफिक की मिलती जुलती है पाकिस्तान से, लेकिन उधर बेहतर है हमसे, और सफाई तो बहुत बेहतर है, बहुत साफ़ एरिया है। उसके अलावा ग्रीनरी बहुत है और ह्यूमिडिटी भी बहुत है। मुझे ह्यूमिडिटी वाले एरिया नहीं पसंद है, लेकिन फॉरनर्स इसी को इंजॉय करने आते हैं। गोवा से मिलता जुलता है मुझे जो श्रीलंका का लगा, जैसे बीच हम लोग जब पहुँचे सैटरडे नाइट थी, तो वो बहुत पार्टी एरिया था, सब जगह पे ऐसे बीच पे ऐसे पार्टी हो रही है जैसे हम लोग सुनते हैं सॉन्ग्स में, तो उतना पार्टी चल रही है, सॉन्ग्स की आवाज़ इधर से आ रही है इधर से आ रही है। तो जो हमारे साथ फैमिली थी उन्होंने बोला कि हम आप लोग को कोलंबो लेके जाते हैं, लेकिन मैं और मैं इतना थक चुके थे एयरपोर्ट से वापसी, और ख़ुद जो जितना भी हम लोग चाह रहे थे एक्सप्लोर करना, तो काफ़ी थके हुए थे, तो दिल ही नहीं कर रहा था कि कोलंबो जाके कुछ हैपनिंग लाइफ देखें। लेकिन नो डाउट जितना हमने देखा बहुत अच्छा था, मज़ा आया मुझे।